आज की मांग 214। इस चिंतन में सदैव शांति बनाए रखने का बढ़िया अच्छा उपाय है। हम लोग बिना वजह अशांत उद्विग्न हो जाते हैं, इसके लिए कोई चिंतक ने बहुत अच्छा सुझाव दे रखा है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतने ही आप शांति से करीब रहेंगे। अब सोचना है आपको, शांति से समीप में रहना है या उद्वेग अशांति की गर्ता में घुस जाना है। यदि सदैव शांति बनाए रखना है तो हम वो सोचना ही बंद करें, कौन क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो सोचना ही उद्वेग अशांति का सबसे बड़ा मूलभूत सोर्स है। इससे हमको क्या, हाँ एक बात इसमें भी कह दूं, यदि हमसे भी कोई बहुत अच्छा सुखी महसूस हो, हमसे भी परम सुशांत हो, तो हम उसके बारे में सोचे अच्छा है कि मैं इतना सुशांत नहीं रह सकता हूँ और वो परम शांति रख सकता है, क्या वजह है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। यदि हम उसे हो सके तो हम उनकी मुलाकात करें और हम सीखें, हमारे जीवन में अपनाएं, अच्छी बात है। लेकिन गुजराती में जेने पारकी पंचायत कहवाई। अब इसकी, इस बवाल की क्या जरूरत है, केवल ही केवल हमारा कलेजा जलेगा, ऐसा व्यर्थ फाजल दूसरों की चिंता करने से, दूसरों का ही चिंतन करते रहने से हमको क्या। इसलिए इस चिंतक का बहुत अच्छा सुझाव है, कौन क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, मेरे ठाकुर जी महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे प्यारे संत की अपेक्षा क्या है, वो कैसे खुश खुश हो जाए, बस ऐसा ही हम सोचते रहेंगे, करते रहेंगे।